गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 24 एक्सरसाइज 3.6.5। फर्स्ट इज रीड हेयर स्टेटमेंट, ध्यान से। शो दैट राइट सर्कुलर कोन, एक कोन की बात कर रहे हैं तो पहले एक कोन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे। सिंपल, एक कोन ड्रॉ करो। रेडियस ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन एंड स्लांट हाइट ऑफ दिस कोन, ठीक है। अब पढ़ो, शो दैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्ड सरफेस, कर्ड सरफेस एरिया लीस्ट मिनिमम प्रूव करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले लिखें गिवन कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन एच मिनिमम, ठीक है। आगे पढ़ो स्टेटमेंट, एंड गिवन वॉल्यूम, इस कोन का वॉल्यूम गिवन है, कितना गिवन है ये तो लिखा ही नहीं ना, तो ये टू प्रूव में आएगा कर्व सरफेस एरिया, और गिवन में क्या आएगा बोलो, इसका जो वॉल्यूम है वो गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना गिवन है ये नहीं लिखा, तो उसको हमने कितना लिख लिया वी, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया मिनिमम है ये प्रूव करना है। शो दैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया मिनिमम गिवन वॉल्यूम, ठीक है, हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल है रूट टू टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस, ये भी प्रूव करना है। इस कोन का जो एल्टीट्यूड है वो इक्वल है रूट टू टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस, एल्टीट्यूड ये वाला h इज इक्वल है रूट टू टाइम्स, ठीक है, द रेडियस ऑफ द बेस ये r हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। तो इसके वॉल्यूम ये गिवन है, कर्व सरफेस एरिया मिनिमम प्रूव करना है, इसकी हाइट इक्वल है रूट टू आर के, ये प्रूव करके दिखाना है, ये इसकी स्लांट हाइट हो गई, क्लियर। अब सॉल्व करते हैं, चलो गिवन से ही सॉल्व कर लेते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो, 1/3 पाई आर स्केयर एच, ठीक है। चलो यहाँ से अब ये निकालते हैं जिसको मिनिमम प्रूव करना है, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एम, तो ये इसका कर्व सरफेस डेरिवेटिव यहाँ पर होगा, यहाँ नहीं, जिसको मैक्सिमम मिनिमम कहेगा वहाँ डेरिवेटिव करना है, ओके। चलो यहाँ पे पाइथागोरस भी यूज़ कर लेते हैं, ए बी सी इन राइट ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर एल स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर एट स्क्वायर और बेस स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। एल निकालो यहाँ से, दोनों तरफ रूट कर दो, एट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पुट द वैल्यू ऑफ एल इन दिस इक्वेशन, तो यहाँ पर ये एरिया पाई आर, पुट द वैल्यू ऑफ एल ये वाली, तो यहाँ से एट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ तो डेरिवेटिव करना मुश्किल हो जाएगा, क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो फिर डेरिवेटिव ईजी हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, रूट कैंसिल हो गया, एट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब क्या करो, या तो इधर से एच निकाल लो यहाँ पे पुट कर दो, या इधर से आर निकाल के यहाँ पुट कर दो, वो आपकी मर्जी, दोनों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं चलो यहाँ से एच निकाल लेता हूँ, थ्री को इधर ले जाऊँ, थ्री वी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये पाई आर स्क्वायर नीचे ले जाऊँ, थ्री वी बाय पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच, इस एच की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ से हो गया ए स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, पुट द वैल्यू ऑफ एच ये वाला, थ्री वी बाई पाई आर स्क्वायर, ये एच की जगह ऊपर वहाँ स्क्वायर भी है और प्लस में आर स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करो, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, थ्री स्क्वायर नाइन, वी स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर का स्क्वायर फोर और प्लस में आर स्क्वायर, इस ब्रैकेट को खोल दो, यहाँ से ए स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी यहाँ भी, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई स्क्वायर से तो पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो नाइन वी स्क्वायर डिवाइड बाई कितना रह जाएगा आर स्क्वायर, और प्लस में इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो पाई स्क्वायर आर पावर कितना बन जाएगा फोर, क्लियर है बोलो।
ठीक है, ये वाला आर स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, तो आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो आर की पावर कितनी बन जाएगी, माइनस टू। तो मैं नेक्स्ट पेज पर करता हूँ, इसको आप ऊपर ले जाओ माइनस टू और ये टर्म एज इट इज रह जाएगी। ठीक है, फिर डेरिवेटिव करते हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर नाइन बी स्क्वायर आर पावर माइनस टू पाई स्क्वायर आर पावर फोर, इक्वेशन नंबर वन। चलो बाद में लिख लेंगे, डेरिवेटिव कर लो। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर ऑन वो, वी का डेरिवेटिव नहीं करना क्योंकि वी गिवन में लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि वी गिवन में लिखा है इसलिए उसका डेरिवेटिव नहीं होगा। तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर कर दो, तो नाइन वी के पावर आगे एक पावर कम, कितना हो गया माइनस एटीन, वी स्क्वायर आर पावर माइनस थ्री पावर आगे एक पावर कम फोर पाई स्क्वायर आर पावर थ्री। ठीक है, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। ठीक, नेक्स्ट स्टेप, डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट कर दो, डी बाई डी आर, ए स्क्वायर लिखा है तो लिखा रहे उससे कोई मतलब नहीं, सारे को जीरो के इक्वल लिख दो, माइनस एटीन वी स्क्वायर आर पावर थ्री प्लस फोर पाई स्क्वायर आर क्यूब इज इक्वल जीरो। ठीक है, ये टर्म को राइट में ले जाओ, फोर पाई स्क्वायर आर क्यूब इज इक्वल एटीन वी स्क्वायर आर पावर थ्री। ठीक है बेटा, क्लियर, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, एटीन बाय आर क्यूब है, इस तरफ लाकर इसको पलट दो तो वी एक तरफ कर लो, फोर पाई स्क्वायर आर क्यूब इंटू में आर क्यूब बाय एटीन इज इक्वल वी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, टू पे ये वाला कैंसिल हो रहा है। ठीक है, टू पे इसको कैंसिल कर लो, टू टू जा फोर, टू नाइन जा एटीन पाई स्क्वायर और आर पावर सिक्स और यहाँ से वी स्क्वायर। क्लियर, दोनों तरफ रूट लगा दो तो यहाँ पे रूट टू हो गया, नाइन का थ्री बन गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे रूट करोगे तो आर की पावर कितनी रह जाएगी, थ्री, और इक्वल में कितना आ गया वी। क्लियर है बेटा यहाँ तक, दोबारा फिर डेरिवेटिव कर लो, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर वन विद रिस्पेक्ट टू आर, तो यहाँ से ए स्क्वायर का, ठीक है, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये वाला पावर आगे ले आओ एक पावर का, माइनस माइनस प्लस हो गया, देखो एटीन थ्री जा फिफ्टी फोर वी स्क्वायर आर पावर कितनी माइनस फोर, यहाँ से पावर आगे थ्री फोर जा ट्वेल्व पाई स्क्वायर और आर पावर कितनी रह जाएगी टू। क्लियर है बेटा यहाँ तक, ठीक है, इसको नीचे ले जाओ, पावर प्लस फिफ्टी फोर वी स्क्वायर आर पावर फोर, यहाँ से ट्वेल्व पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तब ये देखो सबके ऊपर स्क्वायर है, माइनस तो आ ही नहीं सकता, सारा ही क्या बनेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो क्या बन गया मिनिमम, मिनिमम कौन होगा जिसका डेरिवेटिव कर रहे हो एरिया, तो यहाँ पर क्या आ गया एरिया ऑफ कौन इज मिनिमम, कौन का एरिया क्या बन गया मिनिमम। क्लियर है बेटा, चलो अब सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का करते हैं, देखो पीछे स्टेटमेंट देखो, सेकेंड पार्ट पर आओ, क्या लिखा है, कह रहे इसकी हाइट इक्वल है रूट टू आर के, इसी का यू एच की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब एच किसके इक्वल रूट टू आर के, तो ये वाला एच ये रहा देखो जो वाई की निकालते थे, ठीक है ना, इसको लिख लो स्टार इक्वेशन, यहाँ पर एच की वैल्यू, ठीक है, ये वाई लाइन में अगले पेज पर लिख रहा हूँ, स्टार इज इक्वल एच किसके इक्वल, बोलो क्या था पीछे, थ्री वी अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर दो, h इज इक्वल थ्री बाई पाई आर स्क्वायर, पुट द वैल्यू ऑफ v, ये v हमने निकाला था ना यहाँ से, ये v की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो कितना आ गया रूट टू बाई थ्री पाई आर क्यू। ठीक है, जो थ्री से ये वाला थ्री कैंसिल हो गया, h इज इक्वल इस पाई से ये वाला पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ से रह गया रूट टू, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्या रह गया r, ठीक है, तो हाइट किसके इक्वल रूट टू आर के, यही हमने प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट, ओके बेटा ध्यान से देख लो, क्लियर बेटा, ठीक है, यहाँ से देख लो, ओके इस वीडियो में इतना ही, आगे के क्वेश्चन के लिए हमारी नेक्स्ट पार्ट देखोगे, ओके थैंक यू।